यहाँ पर आप देख रहे हैं बीकॉम मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 कॉमर्स का एग्जामिनेशन पेपर है, यानी ये ऑडिटिंग का पेपर है। कोड नंबर C302 और यह पेपर आज ही संपन्न हुआ, आज है 25 मार्च 2023। अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करने चलते हैं और देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन सही तरीके से क्या है। जिन नंबरों के लिए आप बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे वो समय आ चुका है। बहुत सारे बच्चे कमेंट मार रहे हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप भी पूछ रहे हैं, परंतु भाई देखो क्वेश्चन पेपर तो मेरे हाथ में जब आएगा जब ही तो मैं बनाऊँगा। अब किसी स्टूडेंट से मैंने मंगाया तो अब मुझे मिला है, तो अब मैं आप लोगों को इसको बना के दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने अपनी सूझबूझ से जो इसमें राइट हैं उनको मैंने मॉडल पेपर से मिलाया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि मॉडल पेपर में भी ढूंढने पर नहीं मिला है, कुछ प्रश्न ऐसे लगे हैं एक दो कि जिसमें कि मॉडल पेपर में कुछ और है, अधिनियम में कुछ और है। कन्फ्यूजन यहाँ पर इस बात से होना शुरू हो गया कि कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 जो संशोधन का समय था, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। फिर भी इसको हमने अपनी तरफ से बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है और आप लोगों को इसको दिखाने का कार्य किया है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं आपकी उम्मीदों के अनुसार, तो यह सोच के चलिए कि यह अंतिम परिणाम नहीं है जब तक कि यूनिवर्सिटी का आंसर शीट ना आ जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हों भाई हाइपरटेंशन में आ जाएं और उनको टेंशन हो जाए और उस टेंशन में अगले पेपर का भी बेड़ा करके करके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको यूनिवर्सिटी के आंसर शीट का भी वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लिखा हुआ है, आमने सामने है। पहला प्रश्न है, भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? तो जवाब है 1914 से। अब इसका जवाब आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1949। इधर अंग्रेजी में भी चल रहा है तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लेंगे भाई, ऐसा नहीं है। अब एक तरफ ही निशान लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, जब भी वही बात होगी। अगला प्रश्न है, लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली को किसने प्रकाशित या प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब है लुकास पैसियोली। अब हो गए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुँच गए हैं, अब पहुँचते हैं नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है अंकेक्षण क्या है? तो ये ए व बी दोनों है, क्योंकि कला और विज्ञान दोनों ही है, अंकेक्षक का कार्य है। इसका जो सही जवाब है ये है उपरोक्त सभी। आप अपने प्रश्नों को मिला लेंगे और समझ जाएंगे कि आपका जो प्रश्न है वह किस प्रकार का है। वैसे इसमें सेट वाला चक्कर चलता है, तो सेट वाला चक्कर जो अगर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर पी सेट हमारे लिए यहाँ पर है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो अंकेक्षक का तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो उपार्जित, इसका सही जवाब है अक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी मानकों की संख्या, तो मानकों की संख्या का सही जवाब है 35। APC की विधिवत स्थापना कब हुई? 17 सितंबर 1982 को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में है, ICAI का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, बहुत फास्ट समझते हैं भाई, जल्दी जल्दी। ICAI के फेलो सदस्य अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? तो इसका सही जवाब है FCA। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट नंबर 11, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग क्या है? तो सुविधा का गबन, इसका सही जवाब है। अथर्व से 750 रुपये प्राप्त किए किंतु उसके खाते में 7500 रुपये जमा किए गए, यह किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये लिपिकीय अशुद्धि है। इसके बाद में आता है 25000 रुपये का प्लांट खरीदा किंतु क्रय खाते को नाम किया गया है यानी डेबिट किया गया है, तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि कही जाएगी यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल
सही जवाब है बी। 14 नंबर में है अथर्व का खाता 700 रुपये से अधिक नाम किया गया जबकि अचिर का खाता 700 रुपये से कम किया गया। तो यह है क्षतिपूरक अशुद्धि यानी कंपेंसेटरी एरर यानी कंपेंसेटिंग एरर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अगला देखेंगे सवाल में तो 15 नंबर छल कपट की रोकथाम या छल कपट की रोक अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है। तो ये सहायक उद्देश्य है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य तो खातों की शुद्धता की जांच करना ही है जिसके लिए उसे बुलाया जाता है। इसके बाद है नंबर 16 पे प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत, इसका नाम ही प्रबंध अंकेक्षण है यानी अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन ऑफ, तो इसमें उच्च अधिकारियों के कार्य की क्योंकि यही मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो इसका सही जवाब बी है। सहकारी संस्थाओं अथवा प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है अनिवार्य, इसका सही जवाब है अनिवार्य यानी ए। 18वें का है चालू अंकेक्षक उपयोगी है बड़े व्यवसाय के लिए, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लोचदार स्पष्ट लिखित व विस्तृत, उपरोक्त सभी सही जवाब है। इसमें हमने सही जवाब पर निशान पहले लगा दिया है। कुछ प्रश्न है जो सस्पेक्टेड हैं, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा होता है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रमाणन क्या है, खातों में की गई प्रविष्टियों का प्रलेख, इसका सही जवाब है ए। इसके बाद है 22 नंबर में प्रमाणक संबंधित होना चाहिए, ए व बी दोनों इसका सही जवाब है। प्रमाणक का मतलब सबूत है, तो सबूत तो किसी भी वर्ष से संबंधित हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है इसमें कौन सा सही है, तो भाई इसका सही जवाब है प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है यानी बी। 24 का सही जवाब है, क्वेश्चन है सही कौन सा है, तो सही है कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए, ये सही जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन का आधार सत्यापन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें ख्याति सही जवाब है। 27 का सही जवाब है प्रारंभिक व्यय। 28 में सही जवाब देखेंगे तो इसका है जे आर बाटली बाय। अब थोड़ा फास्ट करें नहीं तो बहुत टाइम पी जाएगा ये आंसर सीट ही, तो वैसे भी ये उधड़ चुकी पता नहीं कैसे क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 29 में सही जवाब है डिपोला। और इसके बाद है 30 का है स्पाइसर एवं पैगलर। क्वेश्चन आप देखते रहिए और अपने आप मिलाते रहिए, देखते रहिए, चेक करते रहिए। 31 में आएंगे तो इसका सही जवाब है लाभ हानि खाते को पता लगाना। और इसके बाद है अगला सवाल नेक्स्ट 32 में ह्रास के संबंध में कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा है। इसको मैंने चेक किया गूगल पे, उल्टा सीधा चल रहा है, समझ नहीं आया, मॉडल पेपर में दिखाई नहीं दिया, इसमें कन्फ्यूजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही जवाब है आयगत संचय। पेटेंट पर मूल्य ह्रास काटने की उपयुक्त पद्धति स्थायी किस्त पद्धति है, सही जवाब फिक्स्ड। 35 में देखेंगे तो इसका सही जवाब है प्लांट और मशीनरी वाले में क्रमागत। और 36 नंबर 36वें प्रश्न का जवाब है 4500। 37वें का जवाब है ए व बी दोनों। क्वेश्चन आप देखते रहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और निशान लगे हुए हैं इनको भी ध्यान से देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे तो इसका सही जवाब है, हाँ इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब इन्होंने एक गड़बड़ी ये कर दिया है कि कंपनी अधिनियम की धारा तो बोल दिए, लेकिन अगर ये बोल देते कि 2013 या 1956 तो थोड़ा आसान हो जाता। अब इसमें 139 भी है और कुछ और भी है, समझ नहीं आया, वो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पर लिखा है कंपनी द्वारा अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना कितने दिन के अंदर देनी चाहिए, तो इसका जवाब है 7 दिन। अंकेक्षक को कंपनी से नियुक्ति संबंधी सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा, तो इसका सही जवाब है 30 दिन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसको तो हटा ही दूँ मैं, अगला सवाल 41 नंबर पर ध्यान से देखेंगे तो 41 जो है ये प्रश्न है कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह है 142 सही जवाब। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है, केंद्रीय सरकार। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है, धारा 143 यानी 143।
क्वेश्चन नंबर 44 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जानबूझकर कपट पूर्ण प्रतिवेदन देना, इसका सही जवाब है ए सांप्रदायित्व। 45 में इसका सही जवाब है सांप्रदायित्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, केंद्रीय सरकार है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, यह है सारणी एफ का विकल्प, यह है पार्षद अंतरनियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 का संबंध किससे है, तो यह है ए अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक नियुक्ति की जाती है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा यानी CAG के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। इसके बाद है 51, 51 का सही जवाब क्या है, वैसे ये वाला सही जवाब है नंबर ए। इसके बाद है 52 का क्वेश्चन नंबर, 52 का सही जवाब है 7 वर्ष यानी ए। 52 के बाद आते हैं हम 53 पे, अंकेक्षण कार्य के दौरान रिश्वत लेना सांप्रदायित्व है यानी आपराधिक दायित्व है, तो इसका सही जवाब है ए। इसके बाद है 54 नंबर का भी बी सही जवाब है। क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए और आपको अपने प्रश्न का जवाब सही मिल जाएगा। 55 में देखेंगे तो इसका सही जवाब है सी। 56 की ओर बढ़ते हैं, 56 में सही जवाब है सी। और 57 का सही जवाब है, 57 वाला क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला हो गया क्योंकि इसमें धारा तो पूछ लिया लेकिन अधिनियम का पता नहीं है, इसलिए अब हमने गूगल पर सर्च मारा तो वहाँ पर दिखाई दिया 123 सबसेक्शन 1, तो मुझे लगा इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लेना या आंसर शीट आएगी तब आप चेक करिएगा। अगर आपको अच्छी तरह जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ह्रास का प्रावधान करने के पश्चात संचय में अधिक से अधिक कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है, जब इन्होंने अधिक की बात की है तो 20% मैक्सिमम हो सकता है, इसका सही जवाब 20% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, इसका सही जवाब है पूंजी। इसमें है इसका सही जवाब 60 में 30 दिन, 61 वाले में देखेंगे तो क्वेश्चन भी देखते रहिए, 1 वर्ष है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 62, 18%, 63 वाले का है 2, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है अंशधारियों को, यह डी इसका सही जवाब है। इसके बाद 65 नंबर को देखिए तो इसका भी सही जवाब है डी। 66 का सही जवाब है 1 जुलाई 2003 से। उसके बाद 67 नंबर का सही जवाब, हाँ ये भी धाराओं के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको आपको गूगल से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अधिनियम बोल देते हैं, अधिनियम बताते नहीं 2013 है, मतलब कि कौन सा सन वाला है 2013 या 1956। ये जो दो धाराएं चालू हुई है, दो एक्ट आए हैं ना हमारे सामने, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, घोटाला हो रहा है इसकी वजह से, तो ये कन्फ्यूज कर रहा है, तो इसका हमने सही जवाब नहीं लगाया, आप लोग इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए ध्यान से, इसका सही जवाब है सी। 69 का सही जवाब उपरोक्त सभी डी। 70 का है डी। 71 का सही जवाब चेक करेंगे तो है 20 वर्ष यानी डी। 72 का सी और 73 का बी। और उसके बाद 74 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 11% यानी कि ए, और इसका है 5% यानी कि ए, इसका है 3 यानी कि बी। 76 हो गया। 77 को देखेंगे, 77 नंबर में है ए, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ध्यान से। 78 में बोला गया है तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष यानी डी। 79 में 5 वर्ष यानी कि ए। 80 में देखेंगे तो इसका सही जवाब है, अब यहीं देख लो क्वेश्चन की कलाकारी, यहाँ 6 करोड़ लिखा है, यहाँ 5 करोड़ लिखा है। अब CCS यूनिवर्सिटी में ऐसे लफड़ेबाजी हो रही, बताओ बच्चे कन्फ्यूज नहीं होंगे, वैसे इसका सही जवाब 5 करोड़ दिखा रहा है। 81 नंबर का जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि 20 से अधिक कंपनियों का। 82 नंबर का देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी। 83 का सही जवाब है ए। 84 का देखेंगे तो सही जवाब है ए 7 वर्ष। 85 का सही जवाब है डी उपयुक्त सभी।
इसके बाद है आज मंदिर में ढोल बज रही है, आप लोगों को भी सुनाई आ रहा होगा, बहुत धमाकेदार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे तो यहाँ पर ए इसका सही जवाब है, 87 का देखेंगे तो सी सही जवाब है, 88 का अगर देखेंगे तो सही जवाब क्या है इसका, डी माओकारो वाला, 89 का सही जवाब ए है, और इसके बाद देखेंगे 90 इसका है बी विस्तृत। भाई देखो मैंने अपने सूझबूझ से लगाया है, आप लोग देखेंगे, टेंशन में नहीं आना है, पहले बता रहा हूँ। भारत में लागत अंकेक्षण कब प्रारंभ हुआ, 1965 यानी डी सही जवाब है, और 92 का है 30 दिन यानी ए, 93 का सही जवाब है सी यानी 143, और 94 का सही जवाब चेक करेंगे तो ये है इसका सही जवाब उपरोक्त सभी यानी कि डी, 95 का सी, लगभग समापन की ओर चल रहे हैं, बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आएंगे तो इसका सही जवाब है 85-86 यानी कि बी, 97 का 1 करोड़ रुपया यानी कि बी, और यहाँ पर आ गए लगभग लास्ट में हम, 98 का है 30 सितंबर यानी डी, 99 का है 50 लाख यानी सी, और 100 का है 2 करोड़ यानी कि सी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये अंतिम परिणाम नहीं है, अभी CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर शीट बाकी है आना, क्योंकि वो संशोधन वगैरह करके सुधार वगैरह करके तब जो है अपना आंसर शीट जारी करेंगे, उसी के अनुसार ही मार्किंग करेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से ये अपनी सूझबूझ से दिए गए कुछ प्रश्नों के जवाब हैं, जिसको आप अंतिम परिणाम नहीं मानेंगे बल्कि थोड़ा इंतज़ार करेंगे, तसल्ली भी रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, यहाँ पर आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि आप पास हो गए हैं और अच्छे नंबर आपको लगभग 70-80-90 जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, बस 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर शीट तैयार की गई है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करनी होगी, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिणाम से बहुत संतुष्ट होंगे, और इस प्रश्न पत्र के जैसा ही आगे के प्रश्न पत्रों पर भी फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने परिणाम अच्छी तरह से लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।